और चलिए सीधा आपको कानपुर लिए चलते हैं, जहां पर शहीद का पार्थिव शरीर पहुंच गया है। चकेरी एयरपोर्ट पर पहले पहुंचा और उसके बाद अब उनके पैतृक गांव ले जाया जा रहा है। तो उनके पैतृक गांव में दरअसल पहुंच गया है पार्थिव शरीर शहीद करण कुमार, जिन्होंने शहादत का जाम पिया। गमगीन माहौल इस वक्त उनके पैतृक गांव में देखा जा रहा है। अपने आप में बेहद भावुक पल होता है, जहां पर आपने बचपन बिताया और अब जो है देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उस जगह पर इस तरह से वापस लौटना परिवार वालों के लिए भी बेहद भावुक पल। भावपुर गांव है ये, जहां पर शहीद करण कुमार का पार्थिव शरीर पहुंच गया है। तो देख सकते हैं आप, तमाम प्रशासनिक अधिकारी पुलिस मौके पर मौजूद, और साथ ही साथ अब अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी, अंतिम संस्कार उनका किया जाना है। इसी में आसपास के गांव के लोगों को भी आपने देखा किस तरह से गमगीन माहौल और नम आंखों से विदाई देते हुए, कहीं ना कहीं गर्व भी महसूस होता है कि देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया है उनके एक क्षेत्र के एक जवान ने, लेकिन दुख भी हुआ। पाकिस्तान को लेकर गुस्सा है, पाकिस्तान को लेकर लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान हमेशा कायराना हरकतें करता है, आतंकवादियों को उसको घुसपैठ कराता और फिर आतंकवादी धोखे से हमारे सेना पर हमला करते हैं, कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र में, इस गाँव को छोड़िए, इस पूरे इलाके को छोड़िए, इस पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश उसको लेकर गुस्सा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त शहीद करण को उनको आखिरी बार उनके अपने घर में के अंदर ले जाया गया है, और आप बाहर देख पा रहे हैं कि केवल आपको आर्मी के जवान ही नजर आएंगे, केवल हर तरफ आर्मी के जवान नजर आएंगे, और आर्मी के जवान अब कहीं ना कहीं शहीद करण को लेकर वापस जहां पर श्रद्धांजलि दी जाएगी उस स्थान पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है। जितने भी रिश्तेदार शहीद करण के हैं वो सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनके पिता यहाँ पर हैं, और जितने भी रिश्तेदार, परिजन, मित्र, दोस्त, हर कोई यहाँ पहुंच चुका है जिसने बचपन से पढ़ाई की है, और हर कोई सुबह से केवल शहीद करण के बारे में ही चर्चा कर रहा था, और सुबह से ही नहीं जब से ये खबर आई, क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से शहीद करण बहादुरी से आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपने आप को निछावर कर देंगे। देखिए अब आर्मी के जवान जो हैं, आर्मी के जवान ठीक उस लोकेशन पर जाते हुए जहाँ पर श्रद्धांजलि के लिए आखिरी दर्शन के लिए शहीद करण को यहाँ पर रखा जाएगा, एक बार इसको देखते हुए, और वापस जो है आर्मी के अधिकारी जो है वो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, उस लोकेशन पे जाके अब मुस्तैद हो गए हैं। अब यानी कुछ ही समय में शहीद करण को उठा लिया जाएगा। एक भाई, उसके एक रिश्तेदार को यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको तस्वीरें जरा दिखाऊँ यहाँ पर, तो देखिए मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आखिरी दर्शन करने के बाद हर किसी की आंखों में आंसू हैं, हर कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि, और लेकिन इसके पीछे भी जब मेरे परिजनों से बातचीत हो रही थी तो उन परिजनों का साफ साफ ये कहना था कि उन्हें गर्व है जिस तरीके से उनके बेटे ने देश के लिए शहीद हुआ है। और तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीर देखिए आप जरा, तस्वीर देखिए किस तरीके से हर तरफ जयकारे के नारे लग रहे हैं। इस वक्त शहीद करण आखिरी बार अपने घर में एंटर किए हैं। तो दूसरी तरफ हम एक बार आपको एक यहाँ की पैन तस्वीर दिखाते हैं, कि पैन तस्वीर आपको यहाँ पर देखिए, जयकारे के नारे लग चुका है, शहीद करण अपने घर से निकल चुके हैं। देखिए शहीद करण को आखिरी बार उनको, तो भावपुर गांव से, कानपुर से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर शहीद के पार्थिव शरीर को पहुंचा दिया गया है, और अब थोड़ी देर में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी शुरू होगी। पुंछ आतंकी हमले में शहीद हुए थे करण सिंह, और शहीद करण के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव भावपुर में पहुंचा दिया गया है। कानपुर की चकेरी एयरपोर्ट पर पहले पार्थिव शरीर पहुंचा और उसके बाद अब सैन्य विदाई, अंतिम विदाई दी जा रही है उन्हें यहाँ पर। ये देखिए तस्वीरें, और आसपास जो लोग मौजूद हैं उन पर फूल बरसाकर, पार्थिव शरीर पर फूल बरसाकर उन्हें
नमन किया जा रहा है, सलाम किया जा रहा है और ये आखिरी सलाम, आखिरी विदाई शहीद करण को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया है, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। तो शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दे रही है और ये तस्वीरों के ज़रिए आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो भावपुर गांव में पहुंचा है पार्थिव शरीर, पुंछ आतंकी हमले में शहीद हुए थे करण सिंह और अब उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें उनके पार्थिव शरीर को लाया गया, अंतिम विदाई दी जा रही है। उनकी शहादत को सलाम किया जा रहा है। परिवार वालों में गमगीन माहौल, आसपास जो लोग हैं उनकी आंखें भी नम हैं, अंतिम विदाई उन्हें दी जा रही है, साथ ही साथ गर्व महसूस करते हैं कि उनके इलाके के जवान ने देश के लिए बलिदान दिया। तो लगातार ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि भावपुर गांव से है और किस तरीके से शहीद जवान को अंतिम विदाई देने की तैयारी, अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है और जो स्थानीय लोग हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पर। भावपुर गांव कानपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और तो ये वो जवान जो कि पुंछ आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है जहां पर लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं, पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है, अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, परिवार में गमगीन माहौल है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं नायक करण कुमार जो कि कानपुर के, और अब उनके अंतिम दर्शन के लिए जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के वो भी आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, परिवार के लोग आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। नायक करण कुमार उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले, कानपुर के भावपुर गांव में जो उनका पैतृक गांव है वहां पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया है उनके अंतिम दर्शन के लिए। भावभीनी माहौल और गमगीन माहौल आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जो स्थानीय लोग हैं यहां पर वो मौजूद हैं, परिवार के लोग यहां पर मौजूद हैं अंतिम दर्शन के लिए और इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, भावपुर गांव की तस्वीर है, ये वही पैतृक गांव है जहां के नायक करण कुमार हैं और उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता आप देख सकते हैं। तो पुंछ आतंकी हमले में ये वीर जवान जिन्होंने अपनी शहादत दी है, किस तरीके से ये बॉर्डर पर तैनात रहते हैं देश की रक्षा के लिए और देश के लिए अपनी जो शहादत दी है उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। तो नायक करण कुमार के पैतृक गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां अब पूरे सैन्य सम्मान के साथ
नायक करण कुमार को अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार किया जाएगा। और एक एक करके आपको ये भी बता रहे हैं कि वो चार जवान जो कि शहीद हुए हैं, नायक करण कुमार जो कि कानपुर के हैं, और इसके बाद राइफल मैन गौतम कुमार जो कि उत्तराखंड के कोटद्वार के हैं, वहीं नायक वीरेंद्र सिंह चमोली के हैं। और लगातार ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तो ये तीन जवान जो कि पुंछ आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं। हालांकि ये पैतृक गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, भावपुर गांव जो कि नायक करण कुमार का पैतृक गांव है, जहां पर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए उनके इस पार्थिव शरीर को रखा गया है, जिन्होंने देश के खातिर अपनी शहादत दी है। और इन वीर सपूतों को देश नमन कर रहा है और इनकी शहादत को कोई भूल नहीं सकता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से शहादत को सलाम किया जा रहा है। तो शहीद करण का जो पार्थिव शरीर है वो उनके पैतृक गांव पहुंचा हुआ है, भावपुर गांव है जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए जो स्थानीय लोग हैं, जो परिजन हैं, वो आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। हालांकि इसके बाद अब से थोड़ी देर के बाद अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा और इन सभी वीर सपूतों को नमन किया जा रहा है, क्योंकि इन सभी वीर सपूतों के घर गमगीन माहौल है। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के ज़रिए भी समझा जा सकता है किस तरीके से ये जो जवान है, जो वीर सपूत है देश के, वो कैसे तैनात रहते हैं, देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। तो लगातार ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब अंतिम दर्शन के बाद पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। तो अब अंतिम विदाई के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो यहां पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए घर में गमगीन माहौल है।